जादुई सेब का बगीचा। राधा अपने माता पिता के साथ सिलमपुर गांव में रहती थी। राधा के पिता सोहनलाल काम की वजह से गांव से बाहर ही रहा करते। एक दिन की बात है, राधा अपनी माँ जया से बोलती है, माँ पिताजी कितने बुरे हैं, खुद तो हमेशा शहर घूमने के लिए चले जाते हैं और मुझे और तुम्हें इस गांव में ही छोड़ देते हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे पिताजी काम की वजह से शहर जाते हैं, ना कि घूमने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, इस बार जब पिताजी आएंगे तो मैं तो उनके साथ जाऊंगी और तुम भी चलना। ठीक है मेरी माँ, चली जाना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जाओ बाहर खेलो, मुझे घर के काम करने हैं। राधा बाहर खेलने के लिए चली जाती है और कुछ दिनों बाद ही सोहनलाल भी शहर से आ जाता है। राधा अपने पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और शहर जाने की जिद करने लग जाती है। पिताजी इस बार शहर आप अकेले नहीं जाएंगे, माँ और मैं आपके साथ जाएंगे। हाँ मुझे पता है राधा रानी, तुम्हारी माँ ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था। इस बार हम सब साथ में जाएंगे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पिताजी, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब देखना, मैं अपनी सहेलियों को ये बता कर आती हूँ कि हम शहर जा रहे हैं। 4 दिन बाद राधा शहर जाने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, पर एक दिन राधा के पिता सोहनलाल की ऊंची पहाड़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात जया को पता चलती है तो वो इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है। माँ उठो ना माँ, क्या हुआ? राधा अपनी माँ पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लेकर आती है, लेकिन अब जया अपना होश खो बैठी थी। उसे अपने पति के मरने का सदमा लग गया था। बेचारी राधा छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर आ जाती है। कुछ दिनों तक जो घर में राशन था उससे गुजारा हो रहा था, लेकिन जब राशन खत्म हो जाता है तो राधा काम की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते राधा को एक ब्यूटी पार्लर दिखता है और वो वहाँ जाकर बोली, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। लगता है तूने अपने शक्ल शीशे में नहीं देखी। ए लड़की, जहाँ तू खड़ी है उसे ब्यूटी पार्लर कहते हैं, और तेरे जैसे लोगों को हमने काम पर रख लिया तो हमारा तो ब्यूटी पार्लर ही बंद हो जाएगा। चल चल, तुझे यहाँ पर कोई काम नहीं मिल सकता। राधा उदास होकर वहाँ से चली आती है और कुछ देर सड़क पर चलते चलते वह थक जाती है और एक सेब के बगीचे में पहुँच जाती है तो देखती है कि एक बूढ़े बाबा जमीन पर गिरे हुए थे। राधा उनके पास गई और बोली, बाबा आप कौन हो और जमीन पर कैसे गिर गए? बेटी ये बगीचा मेरा ही है, कड़ी धूप में काम करने के कारण मैं बेहोश हो गया था और उम्र भी हो गई है, पर तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। राधा अपनी सारी परेशानियाँ बूढ़े बाबा को बताती है। राधा बेटी, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर ये मेरा सेब का बगीचा है, तुम अगर इसकी देखभाल कर सको तो ठीक है, बदले में तुम सेब बाजार में ले जाके बेच देना, इससे तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा बगीचे की देखभाल करने लग जाती है और पेड़ पे जो सेब उगते उसे बाजार में ले जाकर बेच देती है। एक दिन की बात है, किसी वजह से बगीचे में आग लग जाती है। राधा कुछ कर पाती इससे पहले ही सारा बगीचा जलकर राख हो जाता है। राधा उदास होकर मंदिर में जाकर रोने लग जाती है। हे भगवान, आपकी ये कैसी माया है, पहले मेरे पिता का साथ छीन लिया और माँ साथ होकर भी साथ नहीं है। ये सेब का बगीचा ही मेरी आखिरी उम्मीद थी और तुमने इसे भी जला दिया। भला मैंने इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। बस बहुत हुआ, अब मैं ऐसे नहीं उठूंगी, आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा, नहीं तो मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर राधा
अपना सर पटकने लग जाती है। तभी उसके पिता सोहन लाल की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और बोली, राधा बेटी, तुम अपने आप को जख्मी मत करो। जीवन या मृत्यु भगवान तो दुनिया में आने से पहले ही लिख देते हैं। भगवान ने तो सब कुछ कर लिया पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। माँ पागल हो गई और वो सेब का बगीचा भी जल गया, अब मैं क्या करूँ? मुझे सब पता है बेटी, इसलिए तो भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। ये लो बेटी, ये जादुई सेब का बीज है, इस बीज को तुम उसी बगीचे में लगा दो और सुबह देखना इस बीज का चमत्कार। अब मैं चलता हूँ बेटी, तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर सोहन लाल की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और राधा चमत्कारी बीज को बगीचे में लगा देती है। और जब सुबह आकर देखती है, पहले से भी ज्यादा बड़े बड़े सेब पेड़ों में लगे थे। राधा की माँ को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, तो राधा बगीचे में से सेब तोड़कर अपनी माँ को खिला देती है। चमत्कारी सेब को खाते ही राधा की माँ भी ठीक हो जाती है। मेरी बेटी, हम ये कहाँ पर हैं? अरे माँ, आप ठीक हो गई? राधा इतना कहती ही है, तभी एक सेब में से आवाज आई, राधा हम कोई मामूली सेब नहीं, और अब ये तुम्हारा बगीचा जादुई सेब का बगीचा बन चुका है, और अब तुम्हें परेशानियां भी उठाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम जो सोचोगी वही होगा। क्या सच में मुझे अब कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी? हाँ राधा, हम सच बोल रहे हैं, चाहो तो ये जादुई सेब खाकर अपने मन में कुछ भी सोचो। राधा जादुई सेब को खाकर मन में अपनी माँ के लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना सोचती है। उसके इतना सोचते ही वह सब खाना आ जाता है। राधा और उसकी माँ ने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए वे खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और अब राधा अपने मन में जो भी सोचती, उसके सोचते ही वह सामान उसके सामने आ जाता। और अब उनकी जिंदगी में सारी परेशानियां दूर हो गई थी और वे जादुई सेब के बगीचे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।